आयुर्वेदिक दवाई खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगी, आयुर्वेदिक दवाई खाओ तो किडनी खराब हो जाएगी, आयुर्वेदिक दवाई में कोई दम नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई थोड़ी ना होती। इस देश का दुर्भाग्य है। तो ये आयुर्वेद से आपका क्या नाता है? भगवान ने हमें निमित्त बनाया। आयुर्वेद तो महासागर है, समुद्र है। ये जो बिलियनेयर बाबा आप हैं तो किस तरह देखते हैं आप? मुझे तो पता नहीं, मैं तो कभी देखता भी नहीं, कभी हिसाब भी नहीं। हारून की रिपोर्ट आती है उसमें आपका नाम आता है। आते रहे, ये देखो ये चप्पल लेकर के घूम रहा है, ये कोई आपको दिखाने के लिए नहीं है। अभी जो युवा देख रहा होगा ना कहेगा आचार्य क्रॉक्स के चप्पल पहनते हैं, मोबाइल में अच्छा रखता है वो तो, गाड़ी में अच्छी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको वैज्ञानिकों की सूची में रखा है। कैसे वैज्ञानिक है आप? यदि आज हम वैज्ञानिक है तो निश्चित रूप से 500 लोगों का तप और पुरुषार्थ पीछे काम कर रहा है। मैं तो फ्रंट में हूँ। तो जैसे स्टार्टअप में को फाउंडर्स होते हैं, आजकल बहुत सारे को फाउंडर हो गए, तो वैसे को फाउंडर मतलब पहला निवेश फिर किसने किया? संस्था में मेरे रक्त संबंध ये चार लोग नहीं है, फिर संस्था से जुड़े हुए हजारों परिवार हैं, लाखों लोग हैं। आपने हिमालय की चढ़ाई की और तीन शिखाओं के तीन वो जो उनके नाम रखे। शिखर नहीं भाई, छह शिखरों का नाम गण करें दो बार। क्या था ये? जब आप स्वयं बीमार या संक्रमित होते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर का तो एक व्यवहार है, तो क्या करते हैं, कैसे? देखिए, एक बार हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, फूड पॉइजनिंग हुई थी मुझे, उसको लेकर के लोगों ने तरह तरह की बातें करी, झुका गया, झुका दे दिया था आपको। बड़ा बड़ा एक बहुत ड्रामा भी रचा गया और अब भी लोग कहते हैं तुम बीमार होते हो तो अलग ही थे। अरे मैं कहता हूं ऐसे दुष्ट लोगों से। नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के एक साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। मेरी माँ और दादी के पास एक ऐसी विद्या थी कि वो हर बीमारी का इलाज घर में कर लेती थी। इस विद्या को अश्वनी कुमारों ने इंद्र से सीखा, इंद्र ने इसे धन्वंतरी को सिखाया और कहा जाता है कि धन्वंतरी ने काशी के राजा दिवोदास को इसे सिखाया। अश्वनी कुमारों ने एक और चमत्कार किया, राजा दक्ष का जो धड़ था वहां बकरे का धड़ लगाया। अमूमन हम गणेश जी की कथा सुनते रहते हैं कि उनका धड़ कैसे लगाया गया, लेकिन ये जो विद्या है ये आगे चलकर आचार्य च्यवन, सुश्रुत और चरक तक पहुंचती है। इस विद्या में वो गुण है कि इससे आपकी आयु का सारा लेखा जोखा पता लग जाता है। हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद का उपवेद कहा जाने वाली विद्या की, जिसे आयुर्वेद कहते हैं। समय समय पर आचार्यों ने आयुर्वेद से हमें जोड़ा और आयुर्वेद के विभिन्न गुणों को हमें बताया। एक समय में यह देवताओं की चिकित्सा पद्धति कहा जाता था और आज जब ये इस धरा पर आई है तो समय समय पर ऐसे आयुर्वेदाचार्यों का आना हमारे बीच में हुआ है, जिनके कारण इस विद्या में हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही प्रामाणिक, प्रसिद्ध और बहुत ही विश्वसनीय शख्सियत हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को लेकर पिछले 40 साल से कम जितना मैं जान रहा हूं कार्य किया हुआ है। आज उनकी लेखनी के अगर हम शब्द गिनने जाएं तो वो शायद करोड़ों या अरबों में होंगे। हम स्वागत करते हैं पतंजलि योग पीठ के आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का। महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत है, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुमूल्य वक्त है उन शब्दों की तरह जो आपने लिखा है। तो आचार्य जी, मेरा पहला सवाल ही यही होगा, आयुर्वेद क्या है? यह हम सब जानते हैं, आयुर्वेद शब्द के अंदर ही उसका अर्थ निहित है, जिससे आयुषोवेद आयुर्वेद, जिससे कि जीवन के रहस्य को समझा जा सकता है, जीवन को निरोग रखा जा सकता है, जीवन का जो प्रयोजन है उसको सिद्ध किया जा सकता है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। और इसीलिए जो शब्द में पूरा अर्थ निहित है और उसी के अनुसार उस शास्त्र के अंदर उपाय भी उपलब्ध है। तो ये आयुर्वेद से आपका क्या नाता है? आज आचार्य बालकृष्ण को जो भी देश दुनिया के लोग प्रेम करते हैं, वह प्रेम वो आचार्य बालकृष्ण से नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ वो आयुर्वेद से है। क्योंकि भगवान ने हमें निमित्त बनाया। आयुर्वेद तो महासागर है, समुद्र है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम आयुर्वेद के निष्णात हैं। मैं ये तो जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, उस आयुर्वेद रूपी समुद्र में उसके किनारे पर खेलने वाले हम बच्चे हैं, अठखेलियां करते हैं, आयुर्वेद का हम आनंद लेते हैं और आनंद लेते हुए उस आनंद से लोगों को सुख पहुंचाने का, लोगों को जीवन को निरामय बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो ये जो किनारे पे पहुंचने की आपकी यात्रा है,
मतलब जीवन में कब ये प्रेरणा मिली कि साधु बनना है? बाल्यकाल में दो बातें रही हैं, जैसे अपने भव्य जी अपने कही साधु वाली बात जी, दोनों ही बातों के पीछे बचपन से साधु बनने और आयुर्वेद के पीछे बचपन ही कहानियां हैं जी। हमारी जो पूज्य माता जी हैं वो माता जी को परंपरागत से, क्योंकि हमारे नाना जी आयुर्वेद के जैसे परंपरागत जैसे वैद्य होते हैं अच्छा। जो गुरु परंपरा से इधर उधर से जैसे जो सीखते हैं जी। तो उनकी रुचि रही, उन्होंने परंपरा से उस आयुर्वेद को सीखा था। हालांकि हमारी माता जी कई बहनें थी, बाकी बहनों में वो रुचि मैंने मेरे को कमी दिखाई दिया, पर माँ में स्वभावतः पिताजी से या परिवार से वो गुण रहा है। तो हम लोग बचपन में जैसे, क्योंकि जहाँ मेरा बचपन बीता ग्रामीण क्षेत्र है, जड़ी बूटियां हैं, जंगल है, झरने हैं, नदी नाले हैं, तो वहाँ उन अलग अलग रोगों के लिए गांव के कुछ लोग आते भी थे, औषधियां देती भी थी, या हमको कुछ परेशानी हो जाए तो माता का नुस्खा जो है वो सहज रूप से हमको स्मरण है अच्छा। कि दर्द होने पर क्या खाना है, दस्त लगे तो क्या करना है, सर दर्द हो तो क्या करना है जी। तो इस तरह की कुछ चीजें वहां से मिली, परंतु वो मिली तो सही पर हमने कभी सोचा नहीं कि यही हमारे जीवन के लिए एक मूल मंत्र बनेगा। दूसरा, जहां तक साधुता के लिए बचपन में, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी पूजा पाठ की परंपरा है, तो विद्वान लोग आते, कभी सत्यनारायण की कथा करवाई, कभी यह हवन यज्ञ कराया, कभी पूजा करवाई, तो लगता था, मुझे अच्छा लगता था जब मंत्र पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, तो ऐसा भाव रहता था कि हमें संस्कृत सीखना है अच्छा। मंत्र पढ़ना है, ये भाव था। तो इस भाव के चलते संस्कृत पढ़ने के लिए हम गुरुकुल पहुंचे, गुरुकुल पहुंचे तो संस्कृत के साथ संस्कृति भी समझ में आई, संस्कृति के साथ में समझ में बात आई कि क्या है हमारे सनातन मूल्य, क्या है परंपराएं, क्या है जीवन का रहस्य। जो रहस्य को समझते समझते हमें लगा कि हमें भौतिक संसार के जंजाल में न पढ़ करके हमें एक आध्यात्मिक रास्ते का मार्ग का आलम्बन करना चाहिए। तभी श्री स्वामी जी का हमारा एक मिलन हुआ, हम लोग मिले रास्ते में, मार्ग में, वो भी उसी रास्ते में चल रहे थे, हम भी उधर ही चल रहे थे, चलते चलते मिलन हुई, मुलाकातें हुई, बातें हुई, हम लोग फिर लगे कि हमें एक मार्ग तय कर लेना चाहिए। तो विचार यही था कि हमें अपने सनातन मूल्यों के संरक्षण संवर्धन करना है, परंतु सनातन संरक्षण संवर्धन में भी आप जानते हैं भव्य जी, क्योंकि आपको तो सारे साधु महात्मा और बड़े बड़े महान संतों को सब अच्छी तरह से जानते हो, व्यक्तिगत रूप में भी सबके सानिध्य अपने पाई है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो परंपराओं के नाम पर कुछ कहीं ना, जैसे गद्दी की परंपरा होती है, उसकी व्यवस्थाएं होती है, उसकी मर्यादाएं होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ओपननेस नहीं है, कुछ चीजों में रिजर्व है, उनकी मर्यादाएं हैं। पर हमारे मन में यह था कि हमें सनातन के लिए सेवा तो करनी है, पर सेवा के अंदर किसी भी तरह का कोई ढकोसला, कोई दिखावेपन ना हो, तो फिर हमने फिर उसके ऊपर काम किया, फिर ऐसा क्या हो सकता है। तो हमने कहा कि ऋषियों की जो योग और आयुर्वेद जो दो विधाएं ऐसी हैं जो हमारे ऋषियों की देन है और मानव मात्र के लिए उसकी आवश्यकता और उपादेयता है, तो हमने गद्दीय परंपरा को अपना आश्रय नहीं बनाया, हमने विद्या को अपना आश्रय बनाया। तो दो ही हमारे पास दो विकल्प थे, हम बड़े मठ मंदिर के किसी परंपरा में जाकर के किसी गुरुजनों के शिष्यत्व का ग्रहण करके उन साधनों के साथ हम आगे बढ़ते। एक था कि हमारे पास कोई साधन तो नहीं, पर परमात्मा की कृपा और वह हमारे ऋषियों की विद्या। तो ये नॉलेज इकोनॉमी हम लोग को कब समझ आई? तो वो तभी शुरू से फिर हमने सोचा कि हमें योग और आयुर्वेद को आधार बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि योग आयुर्वेद जीवन उस हर किसी के लिए चाहिए, वो मानव मात्र के लिए जरूरत है, वो किसी जाति धर्म परंपरा के लिए नहीं है। तो हमारा लक्ष्य था कि नॉलेज तो ऐसा लेकर के आगे बढ़े जो सबके लिए जरूरी हो, पर परंपरा ऋषियों को ही हम उसका आश्रय लेकर के आगे बढ़े। इस तरह से हमने ये सब शुरू किया। शुरू करने के बाद में तब हमें पता चला माँ से जो सीखा था वो भी काम आया, गुरुकुल में पढ़ा था वह भी काम आया। तो गुरुकुल और माँ मिलकर के, और जो आप देख रहे हैं आचार्य बालकृष्ण आपके सामने। चूंकि ये इंटरव्यू आम लोग तो देखेंगे ही, पर बहुत सारे संत देखेंगे आपकी वजह से और शायद मेरी वजह से भी थोड़ा, तो मैं एक बार फिर बचपन में ले जाऊंगा आपको। बचपन की वो एक तो ये पक्ष रहा कि घर का माहौल था और माता के पास नाना जी की दी हुई एक विद्या थी, लेकिन बचपन की कुछ बातें ऐसी,
अब इसमें मैं फिर एक बार दर्शकों को यह स्पष्ट कर दूं कि महाराज जी का जन्म भारत में हुआ और फिर उनका परिवार नेपाल गया, क्योंकि ये बड़ा विवाद बीच में रहा। तो नेपाल में आप रहे, तो बचपन की वो याद? हाँ, नेपाल में मैं लगभग 8-10 साल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ज्यादा समय नहीं रहा, पर बचपन के 8-10 साल जब थोड़ा बोध होता है तब से लेकर के 10 साल तक एक रहती है। स्मृतियां वगैरह बहुत है, और स्मृतियों में विशेष कर करके क्योंकि जहाँ पर हमारा घर था और स्कूल था, काफी कई किलोमीटर पैदल चल करके हमें जाना होता था। अच्छा। पहाड़ी इसी इलाका एरिया, तो वहाँ उसका हमको एक बड़ा लाभ ये मिला कि वहाँ पर जो सहज रूप से पेड़ पौधे वनस्पतियां उनको जानना पहचानना उनके प्रयोगों को, तो क्योंकि बचपन में मैं समझता हूँ कि तब हमको सैकड़ों पेड़ पौधों को जानकारी और नॉलेज ये हमको सहज रूप से हो गया था। और अच्छा क्या होता है कि एक प्रवृत्ति होती है तो पेड़ देख करके हमको रुचि भी रहता था बचपन में कहीं पौधे लगाना। इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत वातावरण और माहौल तो नहीं था, जितने भी साधु महात्मा सन्यासी बने होंगे या हैं या होंगे, ये हम एक जन्म का कारण तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आदमी आज दुनिया को यह जन्म दिखाई देता है, परंतु यह जन्म कई जन्मों का कारण है। प्रारब्ध संचित कर्म, हाँ, कई जन्मों का कारण है, कई जन्मों से हम लेकर के आते हैं। तो बचपन से ही किसी भी आप संत महात्मा से पूछोगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा मिलेगा जो दूसरों के बचपन से भिन्न होगा। और यदि भिन्नता नहीं है तो कभी भी दूसरे मार्ग का चयन नहीं कर सकता, कृत्रिम है फिर। तो यदि आदमी को उसके जीवन के अंदर बचपन से लेकर के भिन्नता नहीं दिखाई दे, और अचानक कभी कभी आजकल ठोकरें बहुत लगती है ना, जिसको शमशान वैराग्य कहते हैं, शमशान वैराग्य से यदि मार्ग किसी ने बदल लिया तो फिर शमशान की तरह उतर भी जाएगा वो। तो इसीलिए बचपन से ही हर संत महात्मा किसी आप किसी परिवार में घर में यदि ऐसा कोई बच्चा आपको दिखाई दे जिसकी प्रवृत्ति में भिन्नता है, भिन्नता का तात्पर्य उसमें सात्विकता हो, सृजनता हो, सहजता हो, इस तरह के जो गुण होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं, दिखाई दे ना दे, जैसे अपने को रहता था कभी किसी को भी बचपन से ही कोई कोई मांगने के लिए भी आया तो मन करता था कि कुछ दे देना चाहिए, या कोई भूखा है कहीं बैठा है तो उसको पानी पिला दे, ये एक स्वतः ही जैसे कहते ना औरों से। मुझे ये लगता है यदि मेरे को बचपन में देखना है तो बाकी हम लोग भाई थे या परिवार में चाचा ताऊ के जो बच्चे थे तो उनको बेचैनी नहीं होती थी, हमको बेचैनी होती थी, यानी घटना तो वही होती थी, परिस्थितियां भी वही हैं, पर उनका मन उस रूप में तड़पता नहीं था जिस रूप में हमारा तड़पता था। तो उसको यदि बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या में न जा करके सहज रूप से कहें तो यही भिन्नता हमको अपने अंदर बचपन में दिखाई देती है कि एक चीज को लेकर के जो विचारने की, सोचने की, समस्याओं को समाधान करने की, जैसे मैं बचपन में जैसे छोटी बड़ी कोई विवाद बात भी हो जाए, कोई आपस में लड़े तो मैं तुरंत बैठ कर कहता था नहीं आपने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, फिर उसका जवाब आपने ये दिया, तो मैं उसका एक तरह से कैलकुलेशन करता था, जजमेंट करता था कि इसमें आपकी गलती तो इतनी है, उनकी गलती इतनी है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति हमें नहीं पता था कि ये एक तरह से जजमेंट करने के लिए ये जो सोच है ये वृत्तियां हैं कहां से आई। तो इस तरह से रहे बचपन में, तो ये उसके बाद फिर गुरुकुल में ही मैं 6th कक्षा में ही गुरुकुल पहुंच गया था 6ठी कक्षा से। जी, जी। फिर गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल में भी अलग अलग गुरुकुलों में जाने का मौका मिला, फिर अलग अलग परंपराओं को समझने का मौका मिला, क्योंकि हिंदू सनातन प्रवृत्तियों में भी बहुत सारी परंपराएं हैं। मैं सन्यासियों में रहा, मैं उदासियों में रहा, मैं वैरागियों में रहा, मैं आर्य समाज के गुरुकुलों में रहा। तो एक तरह से हिंदू धर्म की जो समग्रता से समझने का जो एक व्यापक दृष्टिकोण भी इस कारण से आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सनातन मूल्यों की बात तो करते हैं पर एक ही संप्रदाय परंपरा में होते हुए कई बार दूसरे जो परंपराओं की विशेषता और व्यापकता को हम नहीं समझ पाते हैं। तो अभी भी जैसे श्रद्धेय स्वामी जी और हम हैं, हम सभी जगह जाते हैं, सभी परंपराओं में जाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो अभी भी मैं अभी 3-4 दिन पहले माउंट आबू होकर के आया, तो कोई ये रहता है कि वहां से हम ये देखने को मिलता है यदि आपके हाथ में मूल है, मूल क्या है हमारे, यदि कुछ भी कहें आप, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद हमारा आश्रय है जी, वेद हमारे मूल हैं, और वेद के बाद में जब हमारे दर्शन है, उपनिषद है, उपवेद है, रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है, ये हमारा आश्रय और आलंबन है। तो यदि आप उस आश्रय और आलंबन में रहते हैं तो किसी भी मत पंथ संप्रदाय में कहीं पर भी चले जाओ तो आप फिर आपकी जो दृष्टि और आपकी निगाह है ना वो बृहद और व्यापक और विशाल होगी, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ऋषियों के आंखों से आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे। बिल्कुल।
तो यहाँ तक की तो यात्रा हो गई, अब आते हैं गुरुकुल। आप हरियाणा के गुरुकुल में शायद पहली बार आप गए, और किसी आपके रिश्तेदार ने, मुझे थोड़ी सी कहानी पता है, मौसी या मामा इस तरह का, तो वो क्या थी, कैसे पहुंचे आप? नहीं, मैं वहां था, पानीपत आया था। पानीपत में मेरे मौसा जी थर्मल पावर में नौकरी करते थे, फिर मेरे को था कि मैंने कहा मेरे को संस्कृत के गुरुकुल के लिए जाना है, तो उनके संबंध में एक व्यक्ति थे वहां पर, उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, अपने संपर्क के जो व्यक्ति से पता किया, तो फिर मेरे को गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली में, अभी भी स्वामी प्रणवानंद जी हैं, पहले स्वामी हरिदेव जी हुआ करते थे, वो उन्होंने संन्यास ले रखा, अभी भी उनका शरीर भी है और गुरुकुल भी अभी भी है। तो वहां पर गया, फिर वहीं पढ़ाई की कुछ वर्ष, फिर हमारा मन उचट गया, हमें लगा कि नहीं हमको जो चाहिए वो ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर उचट करके फिर मैं वाराणसी चला गया, फिर वहां से आया कुछ समय के लिए गुरुकुल खानपुर चला गया, फिर वहां से भी मन उचट गया, फिर मैं गुरुकुल कालवा चला गया, फिर कालवा में मैंने ज्यादा पढ़ाई करी, गुरुकुल कालवा के बाद फिर वाराणसी में गुरुजी के साथ रह करके, तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विद्वानों से, उससे का लाभ भी रहा, क्योंकि लाभ ये रहा कि जब तक आप अपने आप को संघर्ष में नहीं डालते हो तो सीखने को आपको उतना मौका नहीं मिलता है, तो किताबों से ज्यादा परिस्थितियां व्यक्ति को सिखा देती है। तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना एक शमशान व्यक्ति का टाइप का होता है, तो ये मन उचटना है, क्योंकि आज का युवा अगर संन्यास लेना चाहता है महाराज जी, तो बड़ी दुविधा है उसके सामने, या तो वो जो प्रचलन में है उधर चला जाए हरिनाम संकीर्तन, तो ये मन उचटना क्या होता है? और अगर आज के युवा को आपको सच में कहना हो कि भाई तुम्हें अगर धर्म के मार्ग पे चलना है, उद्देश्य तो भगवान देते हैं, प्रवृत्ति या वो, तो ये क्या है मन उचटना? हमारा स्पष्ट मानना ये है, देखिए अभी धर्म भी कहीं ना कहीं धंधा बना हुआ है, विशेष करके मैं क्षमा पूर्वक, जैसे पूज्य मुरारी बापू जी हैं, पूज्य रमेश भाई ओझा हैं, ये हमारे लिए श्रद्धेय हैं, वंदनीय हैं, क्योंकि ये धर्म की व्याख्या करने के योग्य आचार्य हैं। परंतु आजकल क्या है कि बच्चों को हम बहुत सारे लोग आप तो देखते हैं, बच्चों को इसलिए तैयार किया जाता है कि बोले बच्चे ये कथा करेगा जी। कथा करने की चीज नहीं है, कथा तो वास्तव में आचरण की चीज है, तो कथा उतर जाए तो कथा सुनाओ, कथा सुनाने के लिए कथा की तैयारी करोगे तो एक दिन वो कथा, क्योंकि वो सात्विक ना होने की वजह से तुमको भी लेट डूबेगा, मैं तो व्यथा हो जाएगी, तो मैं ऐसा मानता हूँ, तो कथा को व्यथा ना बनने दें, और ये जो कथा को तैयारी, कथा तैयारी कराने के हिसाब से हम पढ़ाई ना करें, हम पढ़ाई करें शास्त्र के योग्यता के लिए, निष्णात बनने के लिए। अभी जितने भी कथा करने वाले हैं, विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि उनको शास्त्रों का, संस्कृत का जब तक बोध ना हो, पूरा पारंगतता ना हो, अच्छी तरह से उनको पढ़ाई ना करें, तो वो हमको कथा आदि कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने आप को भी कथा का योग्य नहीं समझता, क्योंकि मुझे तो जितना पता है वो बहुत पर्याप्त नहीं, मैं ऐसा मानता हूं आज भी, हालांकि हमारा विषय भी नहीं है। तो इसी तरह से क्या कि धर्म के लिए, संत बनने के लिए भी, सब ये तो कथा की बात होगी, साधु बनने के लिए भी एक सिंपल से मर्यादा है, साधु हम सिर्फ भगवे वस्त्र धारण कर लें, सफेद धारण कर लें, वो नहीं, हमको कम से कम साधुता की जो मेरे से पूछते हैं परिभाषा, तो दो चीजें हैं, चरित्र और वित्त। ये दो चीज आपका ठीक है, आपको लगता है, मैं तो युवाओं को कहता रहता हूँ, जैसे कोई लड़की है उसको लगता है कि मैं अपने जीवन को बिना पति, यानी पति सुख के बिना, मैं जीवन को बहुत पवित्रता से काट सकती हूँ। पुरुष को लगता है कि मैं पत्नी सुख के बिना, तो आज सबसे जटिल कार्य जो है ना वो इंद्रिय सुख बहुत खतरनाक है, वो कितना भी करें कहीं ना कहीं हमको जो है ना वो आकर्षण करता है या खींचता है, या मैं ये कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग जो है ना सुखी रोटी भी खा लेता है, सुखी पानी पी करके भी सो जाता है, पर वासना एक ऐसी चीजें होती है कि कहीं ना कहीं वो आदमी को जो है ना वो चक्रव्यूह में फंसाता है। तो आज का जो वातावरण है, कहीं सात्विकता नहीं, रजोगुण और तमोगुण की अधिकता है, बोलबाला है चारों तरफ, आप चाहे अखबार पढ़ो, चाहे मैगजीन पढ़ो, चाहे सोशल मीडिया देखो, चाहे मोबाइल देखो, चारों ओर कहीं इसी तरह का वातावरण, इसी तरह के दृश्य, इसी तरह के विचार आपको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, आप प्रयास नहीं करो तो भी घेरते रहते हैं, तो उन विचारों से बाहर निकलने के लिए आपको लगता है तो ये दो चीजें हैं, आपको विषय आकर्षित नहीं करते हैं तो फिर आप साधु बनने के लिए योग्य हैं, और आपको संसार की तरफ जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, एक सीधा स्पष्ट है, नहीं तो आप शादी विवाह करिए गृहस्थ में रह करके, और आप जो है आध्यात्म के लिए प्रयास करते रहिए, समाज के लिए बहुत सारे सेवा के कार्य, वहां से भी आप साधु बन करके, साधु का अर्थ एक तो होता है कि विचार से साधु होना, एक होता है साधु का अर्थ
जैसे हमारे जो चार आश्रमों की जो हमारे यहाँ बात की गई है, सन्यास, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और गृहस्थ की जो बात है, तो ब्रह्मचारी तो सबको रहना ही चाहिए शादी से पहले, और जिसको ज्यादा वैराग्य हो तो आप सीधा सा ब्रह्मचारी से जंप मार के सन्यास में जाओ, नहीं तो ब्रह्मचारी से गृहस्थ जाओ, फिर थोड़ा अभ्यास करते हुए वानप्रस्थ बनो, फिर सन्यासी बनो। ये एक व्यवस्था है, ऋषियों ने इसलिए ऐसी मर्यादाएं बनाई गई है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि क्या आदमी को ब्रह्मचर्य से संन्यास लेना चाहिए, तो ऋषि दयानंद कहते हैं ये कार्य कठिन है, कठिन है। लिखने के बाद लिखते हैं कि यदि फिर भी वैराग्य हो तो आदमी को संन्यास में जाना चाहिए। तो किसी लोभ लालच भय की बिना ये व्यवस्था ऋषियों के द्वारा दी गई है, पर व्यवस्था के लिए एक नियम भी बनाया गया है। तो इस तरह से यदि आप पालन करते हैं तो फिर कोई भी समाज के अंदर विकृतियां नहीं आएंगी, समाज के लिए आप उपादेय बनेंगे, समाज के लिए आप सहयोगी बनेंगे, उपकारी बनेंगे, और एक ब्रह्मचारी या एक सन्यासी समाज के लिए जितना काम कर सकता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इस फिर सारे गृहस्थी बन जाए तो क्या दोष है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी होने पर, जब मान लीजिए मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। अभी मैं जैसे कल शाम को मुंबई से आया, अभी सुबह अपना नाश्ता करके अभी ऑफिस में बैठा है, शाम को दिल्ली चले जाऊंगा। मुझे ना पत्नी के लिए, ना बच्चों के लिए, ना घर के लिए, ना गृहस्थ के लिए, ना चिंता, ना योजना, ना प्लानिंग। क्योंकि जब गृहस्थ होता है तो जिम्मेदारी के साथ साथ में एक उसका कर्तव्य भी बनता है। यानी कि भागवत पुराण में एक बहुत अच्छा एक सुंदर प्रकरण है, तो वहां पर लिखा है कि बोले ये जो है आदमी को बांधने का सबसे बेहतरीन खूंटा क्या है, बोले जी बेहतरीन खूंटा है बोले घर। बोले धन संसार में कहीं भी जाएगा वो घर के इर्द गिर्द ही सोचेगा, उसका लक्ष्य है गृह, गृह से के इर्द गिर्द सोचने की वजह से वो गृहस्थी है, वो घर में रहने की वजह से नहीं है। पर वो साधु के लिए वो चीज नहीं होती, हमको भी संस्था के लिए सोचना पड़ता है कहीं भी जाए, पर हम संस्था के लिए सोचेंगे तो संस्था में मेरे रक्त संबंध या चार लोग नहीं है, फिर संस्था से जुड़े हुए हजारों परिवार हैं, लाखों लोग हैं, वो सोच का दायरा बड़ा हो जाता है। इसलिए साधु वास्तव में बड़ा ग्रस्त है, पर वो बड़ा ग्रस्त बनने के लिए आपको अपने विचार को बड़ा बनाना होगा, अपने विचारों के अंदर सात्विकता और व्यापकता, क्योंकि उपनिषद में भी कहा गया है कि ये वही भूमा तत् सुखम नाल पे सुखम अस्ति, जो बृहद है, व्यापक है, विशाल है, वो आनंद का कारण है, वो तो परमात्मा है। तो उसको लक्ष्य बना करके व्यापकता में जीने का नाम साधुता है। तो ये जो बिलियनेयर बाबा आप हैं, तो आप पे टैग लगा हुआ आप बिलियनेयर बाबा हैं, तो ये फिर इसको किस तरह देखते हैं आप? हाँ, मेरे को कल कोई कह रहा था मुंबई में, तो बोले अच्छा जी आपका जो ना पहले आप विश्व के धनी में इतने लोगों में आते थे, अब इतने लोगों में चलेगा। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो कभी देखता भी नहीं, कभी हिसाब भी नहीं। हारून की रिपोर्ट आती है उसमें आपका नाम आता है, आते रहे। परंतु आपको सच बताएं तो यह भी एक आनंद है। आनंद यह है कि मेरे को जिसका किसी को कोई फर्क ही ना पड़ता, वो आनंद है। अरे कि लोग कहे, और देखिए हमारे जीवन में कहीं से भी, वो मेरा तो ये देखो ये चप्पल लेकर के घूम रहा है, ये कोई आपको दिखाने के लिए नहीं है। तो एक दिन मैं बैठा था दिल्ली में, बोले आचार्य जी के चप्पल में कितने छेद हैं, तो मैंने भाई गिनने कितने छेद है। अब एक बात बताऊं, अभी जो युवा देख रहा होगा ना कहेगा आचार्य जी क्रॉक्स के चप्पल पहनते हैं, पहन हो गए। तो भाई मेरे को जितने की भी है माल अच्छा कर, वो कर लो, मोबाइल भी अच्छा रखता है वो, तो गाड़ी भी अच्छी है। पर गाड़ी इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम, जैसे रात को भी आया, अभी भी दिल्ली जाना है मुझे, शाम को 4 बजे जाऊंगा, रात को 11-1 बजे तक मैं लौट करके आऊंगा। तो 24 घंटा में गाड़ी में रहना है, तो गाड़ी के यदि मान लीजिए कि अच्छा ना हो तो दिवाई बुझ जाएगा, हम काम क्या करेंगे। फिर इसी तरह से मोबाइल में, क्योंकि मैं लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर यूज नहीं करता हूं, तो मेरा सारा काम धाम एक मोबाइल के अंदर होता है। तो इसको छोड़ करके जी, आप जीवन में शायद तलाश करोगे तो हमसे ज्यादा पकड़। मैं कभी कभी जैसे मैं पहाड़ पे चलता हूं, अभी भी गया था 2-3 दिन, फिर जाऊंगा, कभी मन करे आप चलना साथ में। लोगों को तो जब रील्स बनाने हो, फोटो खिंचवाने हो, तो झाड़ी के नीचे होते हैं, उसके पीछे भी दीवार होती है। पर हम यहाँ जब घूमते हैं अच्छे अच्छे जो चलने वाले पहाड़ों पर, उनकी हवा खुशक हो जाती है। तो ये तब है जब हम नित्य प्रति उन कार्य में रहते हैं, धूप में हो, गर्मी में हो, वर्षा में हो, भीगे, साधनहीनता हो, भूखे प्यासे हो, तो ये क्या है, रूटीन है, अभ्यास है। तो जिस तरह से हमने अपने बचपन में तो साधन की न्यूनता थी, सही बात है, बहुत एक लो मीडियम परिवार जितने होते हैं, मिडिल क्लास, उस लेवल के परिवारों में हम पैदा हुए, वहां साधन सीमित थे। पर आज
स्वभाव साधनों से परे है जी। तो इसीलिए एक ही जैसा ही है जीवन, तब भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा है, और उसी तरह से हम जीते हैं और उसी तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं यही मानता हूं कि देखो साधन संसार के लिए हो और त्याग अपने लिए हो, अभाव का नाम त्याग नहीं होता है, सक्षम हो और आप प्रयोग ना करो उसका नाम त्याग है। हाँ, तो 2004 से मैं भी आपको आचार्य जी देख रहा हूं, स्वभाव से नहीं बदला। अब एक महत्वपूर्ण चीज पे आते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको वैज्ञानिकों की सूची में रखा है, तो आप कैसे वैज्ञानिक हैं आप? मैं देखो, भगवान ने आयुर्वेद के लिए हमको निमित्त बनाया और आज हमें गौरव की अनुभूति होती है, हमारे पास 500 से ज्यादा बेहतरीन जो हार्डकोर सिर्फ साइंस के ऊपर काम करते हैं, अच्छा, ऐसे वैज्ञानिकों का टोला हमारे पास। यदि आज हम वैज्ञानिक हैं तो निश्चित रूप से उन 500 लोगों का तप और पुरुषार्थ पीछे काम कर रहा है, मैं तो फ्रंट में हूं जी। तो वो मेरी पूरी टीम और हमें पर एक बात की खुशी है। कई लोगों को कहते हैं कि आयुर्वेद को सुडो साइंस कहने का, छद्म विज्ञान कहने का दुस्साहस करती है दुनिया, और यदि एक जो छद्म साइंस है जी, उसका प्रैक्टिस करने वालों को यदि वैज्ञानिक मानते हैं तो स्वाभाविक हो गया जिसका प्रैक्टिस कर रहे वो अपने आप साइंस हो गया जी। तो हम वैज्ञानिक नहीं, हमने आयुर्वेद को वैज्ञानिकता के कसौटी पर कस करके दुनिया के सामने ये कहने का पुरजोर वो किया है, उद्घोष किया है हमने कि आयुर्वेद वस्तुतः पूर्ण वैज्ञानिक है, आयुर्वेद अपने आप में संपूर्ण साइंस है। अब ये प्रश्न हमेशा आता है कि आयुर्वेद की कुछ लिमिटेशंस है, हालांकि हाल ही में 2022 में फिजी के राष्ट्रपति की बेटी ने आंख का ऑपरेशन करवाया आयुर्वेद केरला में, कहीं वो खबरों में था, तो आयुर्वेद की क्या लिमिटेशंस है? देखिए लिमिटेशंस किस चीज की नहीं है जी, पर आयुर्वेद की विशेषता देखो ना, आयुर्वेद रोगी होकर के सिर्फ चूर्ण वटी गोली खाने की बात थोड़ी करता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण ये मंत्र है ना आयुर्वेद का, कि आप निरोग ना हो। आप मेरे को दुनिया में बताओ कौन सी ऐसी पैथी है जो ये कहेगी तुमको निरोग ना होने देने की हम बात करते हैं, बाकी तो रोगी होकर के ठीक होने की बात करते हैं, ठीक होने की भी नहीं मेंटेन करने की बात करते हैं, कि तेरे को डेंट पेंट करेंगे थोड़े दिन और लटका करके जिंदा रखेंगे, ब्लड प्रेशर की गोली दी, तो वो नहीं ना, आयुर्वेद ऐसा कहता ही नहीं है। आयुर्वेद रोग के लिए सीधा सा कह देता है ये रोग साध्य है, ये कष्ट साध्य है, ये असाध्य है, क्योंकि तुमको ऐसा रोग हो रखा है, मान लीजिए उसको पता है कि कैंसर का फोर्थ स्टेज है या बिल्कुल लाइलाज स्थिति में है, तो फिर सिर्फ 10 दिन 20 दिन 15 दिन में मरेगा, डॉक्टर को भी पता है, पर परिवार वालों को पूरा धन संपत्ति को खत्म करवा करके उसको भी मार दे रहे हो, तो मरने वाला तड़प तड़प करके मर रहा है, जीने वालों को भी अपने तड़पने के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल, तो ये इस विधा के ऊपर हमें सोचने की आवश्यकता है। अच्छा चिकित्सक देखिए वो पशुओं के धन के ऊपर उसकी निगाहें नहीं होती है, रोगी को निरोग बनाने की तरफ होती है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, हम किसी पैथी के विरोधी नहीं है, किसी चिकित्सक के विरोधी नहीं है, जो लूट खसोट करेगा चाहे वो आयुर्वेद वाला भी क्यों ना हो, हम उसके भी विरोधी हैं। तो हम सब यानी कि जो भी चिकित्सक हैं, जो भी रोगियों को ठीक करने वाले लोग हैं, जिस भी पैथी से जुड़े हुए हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि रोगी उनका कैसे ठीक हो, रोगी कम से कम खर्च पर कैसा ठीक हो, रोगी का जीवन किस तरह से जो है सुगम बने, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अब आपने आयुर्वेद पे और आपकी टीम ने आयुर्वेद पे लेखन का बहुत कार्य किया, मतलब मैंने स्वयं देखा 96 वॉल्यूम्स में कोई इंसाइक्लोपीडिया है, 50,000 पादपों का आपने कुछ किया है, 1100 पादप पे आप शायद अलग अलग पुस्तक, ये क्या कार्य है इतना बड़ा? देखिए हमारी जो सोच है, हम जिस तरह से लगे थे, पहले मैंने सोचा था कि हमारे ऋषियों ने जिन जड़ी बूटियों के ऊपर लिखा है उसके ऊपर थोड़ा काम किया जाए, उनके पहले तो नामों को संग्रह करने के लिए मैंने प्रयास किया, फिर देखा कि काफी काम नहीं हुआ है, हमको ये दिखाई दिया कि बहुत काम होना बाकी है, काम हो सकता है, बहुत कार्य के लिए संभावनाएं हैं, जब ये दिखाई दिया तो फिर हम लग गए कार्य के लिए। तो आज हमने पूरे धरती के अंदर जितने भी जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर 360,000 पौधों में से लगभग 50,000 पौधे हमने ऐसे छांटे जिनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज किसी न किसी रूप में अभी तक कहीं ना कहीं उपलब्ध थे। तो धरती पर 360,000 पेड़ पौधे हैं, उन 360,000 में से 50,000 हमने औषधीय गुणों से युक्त, और ये विश्व में है, पूरे विश्व के हमने अच्छा। उसको संग्रहित किया, उसके ऊपर फिर काम करना शुरू किया, उन लोगों ने
वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के रूप में वो सारे पौधों के ऊपर काम करके 109 वॉल्यूम में लगभग 1.25 लाख पृष्ठों में 1.25 लाख पन्ने हैं, 109 वॉल्यूम्स हैं और 109 वॉल्यूम्स के अंदर लगभग 2200 भाषाओं में वनस्पतियों के नाम हैं और वर्नाकुलर नेम और सिनोनिम्स की बात करते हैं तो 12 लाख नाम हैं टोटल नामों की संख्या। और यदि आप बात करते हैं जो सिनोनिम्स होते हैं बॉटनिकल नाम के, लगभग 2.5 लाख हैं। यदि परंपरागत की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अलावा 2000 ट्राइब्स जो है जनजातियां उसके अंदर है। यदि पूरी दुनिया की जो जड़ी बूटी आश्रित पद्धतियों की बात करते हैं तो 9,65,000 जड़ी बूटियां हैं जिसके अंदर हम लोगों ने कैनवास पेंटिंग्स पौधों के एक एक पौधे की जो पेंटिंग्स बनाई गई है वो करीबन 31,000 है, जिसके लाइन ड्राइंग बनी हुई है वो करीबन 35,000 है। सारे पौधों के हमने संस्कृत भाषा के अंदर पूरे नए नामकरण करके 50,000 पौधों का संस्कृत भाषा में भी नामकरण है। यानी कि पौधों से संबंधित जो कुछ भी हो सकता है उसकी बेहतर इनके लिए और लगभग 6 लाख यूनिक रेफरेंसेस है। यानी इसको बनाने के लिए हम लोगों ने 6 लाख रेफरेंसेस ढूंढे हैं, यानी उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध हो। और यही काम को 1999 में उसने शुरू करा था WHO ने और 2010 में उन्होंने बंद भी कर दिया था कि ये काम संभव है नहीं कह करके असंभव जान करके। वो भी पूरा डेटा अवेलेबल है WHO के साइट में भी आप जाकर देखोगे आपको दिखाई देगा। पर परमात्मा की कृपा ऐसी नहीं, हमको लगा कई बार कि ये काम तो हमने बहुत कठिन हाथ में ले लिया है, फिर भी हमारी टीम लगी रही। हम तो उसके बीच में हम लोगों ने आंदोलन भी किया, उसके बीच में बहुत सारे काम भी किया, बड़े सारे बंगों का सामना भी किया, पर एक तरह से एक सूत्रीय प्रोग्राम हमारा चलता रहा, वो कार्य हमने पूरा। ये सारा डेटा WHO की वेबसाइट पर है? नहीं नहीं, वो WHO ने जो काम किया था वो है, हमारा वाला तो हमने एक बना दिया पोर्टल। अच्छा, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया पोर्टल अवेलेबल है, उस पोर्टल के अंदर सारा डेटा अवेलेबल है, पर हमने उसको सबके लिए ओपन एक्सेस नहीं करा हुआ है। उसको कुछ हम ओपन एक्सेस है, बाकी सब्सक्राइब बेस पर वो अवेलेबल है। तो ये भारत की यूनिवर्सिटीज को आपने मुहैया कराया? हाँ, भारत के लिए प्रिंट कॉपियां भी हैं, हम लोगों से कई कई संस्थानों ने लिया भी है। हमने कहा भी लागत मूल्य पर दे दो तो हार्ड कॉपी हमारे पास अवेलेबल, हमने सब छाप करके रखी है किताबें, जिसको चाहिए लेकर के जाए। हम तो चाहते हैं हर लाइब्रेरी में कम से कम एक सेट होनी चाहिए, हर बच्चा कम से कम देख तो ले। आपको रिसर्च के लिए और रेफरेंस के लिए काम तो हो, जरूरी है वो। तो ये जो आज का युवा है जो रील बनाता है उसके लिए ये जानकारी कैसे मायने रखती है? क्योंकि अगर ये नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ आचार्य जी, इतनी बड़ी मेहनत, तो ये कैसे? देखिए, इसको सिर्फ रील के ऊपर तो मैं ये कहूं कि उसके यदि कोई लग जाए कि मुझे वनस्पतियों के लिए काम करना है, होता क्या है ना, हम लोग जो है ना बिल्कुल दिमाग को बहुत अभी जोर नहीं लगाना चाहते हैं। पहले जैसा आप देखते थे कि लोग जब पुराने जब मुनीम होते थे, दुकानदार होते थे, खट 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 कागज के अंदर ऐसे मैथमेटिक कैलकुलेशन ऐसे होता था, टिप्स में होते थे, कैलकुलेटर आ गए तो हम गणित भूल गए बिल्कुल। फिर अब जो है, अब ये रील्स वगैरह, ये जो व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है उसने हमारी नॉलेज की ऐसी तैसी कर दी। तो हमें बच्चों को भी इन सबसे दूर रख करके बौद्धिक जो एक्सरसाइज है ना, मस्तिष्कीय जो क्षमताओं को विकसित करने के लिए किताब पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, अलग अलग विषयों की जानकारी के लिए गहनता के साथ अध्ययन करने से ये चीजें नॉलेज, मतलब क्योंकि बच्चे बॉटनी पढ़ते हैं महाराज जी, और हर स्कूल में पढ़ रहे हैं बॉटनी, अगर वो किसी तरह ये नॉलेज उन तक पहुंच जाए तो बच्चों की रुचि जगेगी कि क्या इतने पादप हैं, इतने पौधे हैं, इतना तरह कर रहे हैं हम। हाँ, बॉटनी के लिए भी मैं बता दूं भाई, एक अगला काम मेरा चल रहा है, हम लोग भारत वर्ष में बहुत सारे फ्लोरा के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं बॉटनी के हिसाब से। हमने राष्ट्रपति की भवन के फ्लोरा के ऊपर काम कर दिया, हमने अरुणाचल के ऊपर काम किया, हमने हरियाणा के फ्लोरा के ऊपर काम किया, मॉर्नी हिल्स के लिए काम किया, वो काम अलग अलग, वो फ्लोरा वाला काम भी चल रहा है। पर एक काम हम बहुत अद्भुत कर रहे हैं, वो है जो अपने बॉटनी की बात करी हम लोगों ने, प्लांट टैक्सोनॉमी के ऊपर वैदिक पादप वर्गी की कर करके पूरे धरती के पेड़ पौधों के नामकरण को संस्कृत आश्रित भाषा में कैसे नाम किया जाए, हम उसके लिए भी लगे हुए हैं। अब संस्कृत और गुरुकुल, एक तो संस्कृत के सामने जो चुनौतियां हैं तकरीबन सभी को पता है, काम तो बहुत चल रहा है, पर संस्कृत ही अगर नहीं आएगी तो संस्कृति कैसे बचेगी?
सही बात कही आपने, क्योंकि संस्कृति के लिए संस्कृत जरूरी है और संस्कृत हमारी शक्ति भी है और इसको जरूरी है कि देखिए संस्कृत भाषा को जब तक हम आज के आधुनिक रोजगार रोजगार की जो चीजें हैं, रोजगार वाली जो विधाएं हैं उनके साथ नहीं जोड़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको जोड़ने का हमने ये प्रयास किया, जैसे योग है ये हमारे संस्कृत को जीवित रखने का पूरा बड़ा माध्यम। कारण कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप जब तक उसको जो होगा तो जैसे उसको कहा गया ना ये पवन मुक्तासन है, ये कूर्मासन है, ये मंडुकासन है, तो सारे शब्द संस्कृत के है ना। तो कोई भी दुनिया की किसी भी, क्योंकि मूल शब्द संस्कृत में है और उसको बोलना ही पड़ेगा। आप फ्रॉग पोज और कैमल पोज करने से नहीं होगा, उसको कहना ही पड़ेगा उष्ट्रासन, मंडुकासन, पवन मुक्तासन। तो ये विधा है, तो इसीलिए फिर हमने कहा योग को कैसे इस तरह से जोड़ा जाए। तो योग के लिए अभी तक 150-200 आसन थे, वो काम भी मैं कर रहा हूँ। तो अभी पूरे टोटल मैंने सोचे कि कितने आसन हैं या प्रचलन में इधर उधर हैं, लगभग 4000 तरह के आसनों की लिस्ट बना करके उसी शैली में आपका घेरण संहिता हठ प्रदीपिका की तरह से हम उसको लिखने का काम कर रहे हैं। और उसको लिख करके उसको फिर जब हम समाज के बीच में, योग में लोगों की रुचि है तो पढ़ेंगे, तो संस्कृत भाषा के अंदर नाम होने की वजह से उस संस्कृत के साथ जुड़ा होने से संस्कृत अपने आप जीवित रहेगा। इसी तरह से हमने एक पुस्तक बनाई योग विज्ञानम। योग विज्ञानम जो हमारी पुस्तक है उसके अंदर मैंने पूरा मॉडर्न साइंस को लेकर के जो हमारी शास्त्र आधारित विधाओं को, यानी कि हम लोगों ने चाहे हमारी बॉडी की ओराज की ओरा की बात है, चक्रों की बात है, चाहे ऊर्जा की कलरों कलर्स की बात है, उन सबको आधुनिक विज्ञान सम्मत संस्कृत भाषा के अंदर शब्दों का निर्माण करके उस ग्रंथ की रचना की है। आज बहुत सारे विश्वविद्यालय में उसको पढ़ाया जाता है, तो इससे संस्कृत जीवित हुआ। इतना ही नहीं, हम लोगों ने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में, ये गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए था, पर हमने किया। हम कभी शिकायत नहीं करते कि किसने क्या किया नहीं किया, हम तो ये मानते हैं कि भव्य जी ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, दम है तो पास कर नहीं तो बर्दाश्त कर। तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम करो, नहीं है तो बस अपना बैठ जाओ चुपचाप, यही संसार है। तो हमने कहा हमें प्रयास करना चाहिए, तो प्रयास करते हमने ये पाया कि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने जितने भी टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल थे, हमने कहा कि हमको अब्स्ट्रैक्ट संस्कृत में चाहिए। तो पहले कभी नहीं छपा, मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि बहुत सारे रिसर्च जर्नल ने हम लोगों ने कहा संस्कृत अब्स्ट्रैक्ट को और वीडियो अब्स्ट्रैक्ट को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो पब्लिश हो गया, आज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो संस्कृत बताने का प्रयास तो हमको करना पड़ेगा। जैसे मैंने पादप वर्गी की बात करी, वो संस्कृत भाषा में है। मैंने अभी एक अभी हमारे ग्रंथ का विमोचन हुआ बड़े लेवल पर, सौमित्रीय निदानम करके हमने संस्कृत के अंदर जो आयुर्वेद के अंदर जो निदान की जो परंपरा थी, हमारे यहाँ पहले से माधव निदान वगैरह को हम मुख्य मानते हैं, 1400-1600 साल पुराने ग्रंथ है वो। उसके बाद में 1400 साल से इधर कोई निदान का ग्रंथ ही नहीं बना आयुर्वेद के अंदर। तो उसको उस गैप को उसके अंदर जब हमने देखा, आज करीबन करीबन इस तरह के लगभग 250 बीमारियां ऐसी हैं जिन बीमारियों का नाम आयुर्वेद में नहीं है, उनको हमने आयुर्वेद की परंपरा में संस्कृत शास्त्रों के हिसाब से 18 छंदों में 6826 श्लोकों के माध्यम से हमने उसको लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया। अब आयुर्वेद वाले बच्चे पढ़ेंगे संस्कृत के साथ निदान पढ़ेंगे तो फिर उनको आधुनिक निदान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो संस्कृत को रोजगार के साथ जोड़ने की आवश्यकता भी है और आज के विज्ञान के हिसाब से उसमें अनुसंधान करके उसमें उसको साथ मिलाने की आवश्यकता है। तो ये जो इतनी तकनीकियां अभी आपने बताई, अब योग तो सरल है, वो तो हॉट योगा भी हो जाता, अब आयुर्वेद क्या, क्या आयुर्वेद इसी कारण बहुत ज्यादा लोकप्रिय दुनिया में नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो योग जितना सरल नहीं है? नहीं, आयुर्वेद बहुत सरल है। वस्तुतः पूरे दुनिया के अंदर बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम चलता है, पूरी धरती में चलता है। आप किसी भी दुनिया की किसी कंट्री में जाओ, अब जैसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, तिब्बतन है, किसी में पूरे वर्ल्ड अपना रहे, क्योंकि आयुर्वेद को दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ही एक ऐसा तबका जो पैदा हो रहा है जो आयुर्वेद का विरोध करता है। कौन है ये लोग? है बहुत सारे लोग कहते हैं आयुर्वेद की दवाई खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगी, आयुर्वेद की दवाई खाओ तो किडनी खराब हो जाएगी, आयुर्वेद की दवाई में कोई दम नहीं है, आयुर्वेद कोई दवाई थोड़ी ना होती है। आयुर्वेद क्यों लुप्त हुआ? पर चाइना के अंदर यही जो भारत में आज स्थिति थी, लगभग 1972 में ऐसे ही कुछ स्थिति थी, परंतु चाइनीज सरकार ने कह दिया कि कंपल्सरी जिसको एमबीबीएस करना है
पहले चाइनीज मेडिसिन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में मॉडर्न पढ़ लो। तो चाइनीज कम से कम वो प्रैक्टिस करे ना करे, पर वहां पर विरोध ही नहीं होते। यहाँ पर जो आयुर्वेद जैसे आलोपैथिक में अब तो थोड़ा बहुत बात होने लगी, यदि वो जिनके घरों में आयुर्वेद की परंपरा है वो डॉक्टर आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पर जिनकी परंपराएं नहीं है तो उनको आयुर्वेद निरर्थक लगता है। तो कम से कम सरकारी सिस्टम में भी यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि भाई डिग्री चाहे एक ही दे दो, जैसे लॉ आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोई दो तरह के लॉ के लिए वकील के दो तरह की पढ़ाई डिग्री थोड़ी लेते हैं, तो बेसिक नॉलेज के ऊपर हमारी परंपराओं को जोड़ना जरूरी है। सरकार भी प्रयास कर रही है और ये जनता को भी प्रयास करना होगा, कम से कम जिस भी पैथी में हम हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो हमें प्राथमिकता आयुर्वेद के लिए देनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि आयुर्वेदिक का कोई निषेध है, भाई आपको इमरजेंसी है, आपको जो है किसी तरह की एक्यूट मैनेजमेंट की आवश्यकता है, वहां पर आप एलोपैथी का आश्रय लीजिए, बाकी आप आयुर्वेद से रोग ठीक हो सकते हैं, बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और एक बात और बता दूं भव्य जी, यदि एलोपैथिक गोलियां जो बाजार में बिकती हैं इससे कोई एक दो कंपनियां चार कंपनियां समृद्धशाली होती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां बाजार में बिकती है मेरे भाई उससे लाखों लोग समृद्धशाली होते हैं, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल आता है खेतों से, उनका रॉ मटेरियल आता है फैक्ट्रियों से, तो फैक्ट्री में आने पर एक कंपनी समृद्धशाली होगी, खेतों से आने से किसान समृद्धशाली होगा। तो आप तो मोदी जी से आज शाम मिल रहे हैं, तो ये भारत सरकार आपकी सुनती नहीं है, दुविधा क्या है? नहीं देखिए, हमारा कार्य है, हम सरकार नहीं है, सरकार के प्रति हम भावना रखते हैं, अच्छा काम कर रही है, अच्छी सोच है। वास्तुता यह है कि जब तक जनमानस की सोच नहीं बनेगी, आज भी मैं महसूस करता हूं कि देश के अंदर, मैं देख रहा था अभी एक ध्वजारोहण करके अभी 15 अगस्त को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने की जगह पर और कुछ गाया जा रहा है, यह भारत में ही हो सकता है? राष्ट्रवाद को लेकर के, राष्ट्रभक्ति को लेकर के कोई भी दूसरा देश नहीं है जहां क्वेश्चन मार्क किया जा सकता, इस देश का दुर्भाग्य है। हम भारत माता की जय कहते हैं और सीमा पर मेरे लाखों जवान शहीद होने के लिए खड़े हैं, पर देश में करोड़ों गद्दार ऐसे हैं जो उनको कोई मतलब नहीं है। तो जब तक देश के अंदर एक भावना, एक मानसिकता, एक चेतना और एक जागृति नहीं होगी, हम छोटी छोटी चीजों में बढ़ते रहेंगे, छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे, तो फिर वह भाव नहीं आएगा। ऐसी स्थिति का सामना इस देश में ज्यादा करना पड़ता है। ये बात भी सही है कि ठीक है, हमारे यहाँ विविध तरह की भाषाएं हैं, विविध तरह की संप्रदाय हैं, विविध तरह की मान्यताएं, फिर भी एक बने हैं, पर वो विविधता ने कई बार हमें नुकसान भी किया है। कम से कम इस राष्ट्र को आगे उठाने के लिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के साथ साथ सरकार ने तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाए, और लोग सोचें कि हमें कम से कम मिनिमम कॉमन विचारधारा हम सब की एक रहेगी, जहां राष्ट्रवाद की बात हो, जहां लोगों की स्वास्थ्य की बात हो, जहां लोगों की शिक्षा की बात हो, जहां देश को समृद्धशाली बनाने की बात हो, जहां देश को आगे बढ़ाने की बात हो, जहां लोगों की सेवा सहयोग करने की बात हो, हम कभी भी अलग नहीं होंगे, हमारी कभी भी सोच अलग नहीं होगी। ये भाव जब तक बलवती नहीं होगी तब तक हमें कोई ना कोई बनाएगा, हथियार बनाएगा, और हम हमेशा अपने को ही अपनों के साथ भिड़ते और लूटते रहेंगे, और दुनिया हमारे इसका लाभ उठाता रहेगी, उठाती रहेगी जी। तो अभी जीवन के और महत्वपूर्ण पक्ष पे आते हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज, आप उनसे प्रथम बार कब मिले और क्या थी वो मुलाकात? जो देखिए, हमारा मिलना कोई योजना से नहीं, हम सहज रूप से ही मिले थे, जहाँ श्रद्धेय स्वामी जी गुरुकुल में पढ़ते थे वहीं पर मैं पहुंचा, कालवा में या? हम लोग गुरुकुल खानपुर है, नारनौल के पास में, मुझे आचार्य प्रद्युमन जी के पास में जी। तो श्रद्धेय स्वामी जी वहीं थे, और हम लोग जैसे होता ही है गुरुकुल के सारे कार्यों में, चाहे गायों को चारा काटने से लेकर के, गायों को चारा डालने से लेकर के, दूध निकालने से लेकर के, वहाँ गुरुकुल की सफाई वगैरह, चाहे पढ़ाई वगैरह, तो हम लोग साथ साथ रहते थे। एक थोड़ी एक आत्मीयता का भाव, एक परिचय और संपर्क वहां बना। अच्छा। उसके बाद फिर मैं चला गया दूसरे स्थान पर पढ़ने के लिए, श्रद्धेय स्वामी जी वहां से छोड़ करके गुरुकुल कालवा पहुंचे, फिर तपाक से मैं भी वहीं पहुंचा। अच्छा। फिर वहां हम कई बार साथ में रहे, पर वहां के जो साथ है, हमारा मुलाकात है, वो ऐसा हमको तब भी नहीं पता था कि एक दीर्घकालिक मुलाकात बनेगी। फिर इसके बाद में भी श्रद्धेय स्वामी जी गुरुकुल में, क्योंकि आचार्य के रूप में पढ़ाने के लिए चले गए, मेरी थोड़ी सी अलग तरह की वृत्तियां थी, पकड़पंथी में मैं हिमालय में चला गया, पूज्य स्वामी जी फिर वहां से गुरुकुल छोड़ के फिर वो हिमालय पहुंच गए, फिर हम लोग वहां मिले,
फिर हिमालय में साधना करी, गंगोत्री वगैरह में रहे, तो उस समय फिर ऐसा विचार बना कि अब हमें एक संस्था बना करके इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तब भी बाल बुद्धि थी, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, चीजें नहीं थी, तो शायद भगवान कुछ कराना चाहता था इसलिए आज। तो जैसे स्टार्टअप में को फाउंडर्स होते हैं, आजकल बहुत सारे को फाउंडर हो गए, तो वैसे ही को फाउंडर मतलब पहला निवेश फिर किसने किया, किसने दिया? नहीं, निवेश देखिए, निवेश हमने दोनों ने और हमारे एक दो मित्रों ने अपने आप को ही किया। अच्छा, आप पदार्थों के निवेश को निवेश मानते हैं, हमने तो यहाँ जीवन को निवेशित कर दिया था, तो यहाँ से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे लगे रहे, बहुत सारे लोग जुड़े, अलग अलग तरह से लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा। सबसे बड़ी बात भव्य जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सही मार्ग पर हैं तो जितना बड़ा कार्य होगा विघ्न उतने बड़े आएंगे, पर आपके पास साथ देने वाले लोगों की भी कभी कमी नहीं होगी जी। तो लोगों की शक्ति से, उनके प्रेम और आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और जब तक हम अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे हैं, कितनी भी बाधाएं, विपत्तियां, प्रतिकूलताएं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाधा और विपत्तियां हमें शक्ति और ऊर्जा का संचरण करती हैं जी। तो उन विपत्तियों से हम कभी विचलित ना तो हुए, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कोई ऐसी घटना आप दोनों के बीच में, और जब आज आप मिलते हैं तो क्या संघर्ष के दिनों की बातें करते हैं? संघर्ष तो अभी भी है, अब कहा नहीं है, हर रोज है। आज भी देखोगे कहीं ना कहीं अखबार में, कहीं ना कहीं मीडिया में, न्यूज में कुछ ना कुछ दो चार चीजें चलती रहती हैं। वो तो निरंतर प्रक्रिया है भाई। आप यदि पहले नोटिस नहीं आते होंगे ना, अब तो नोटिस आने लगे हैं, आते ही रहते हैं वो, हम भी पक्के हैं, बढ़ गए लगे रहते हैं। हम तो ये मानते देखो जी, जो हम काम कर रहे हैं कार्य सही होना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं। एक प्रश्न सबके दिमाग में, स्वामी जी गेरुआ पहनते हैं, आप व्हाइट पहनते हैं, क्यों? श्रद्धेय स्वामी जी ने संन्यास तभी ले लिया था 95 को, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी ही रहा, मैंने संन्यास नहीं लिया, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र की मर्यादा ही है। देखो ब्रह्मचारी के लिए कसाय वस्त्र, तो सफेद श्वेत डबल, क्योंकि श्वेत सात्विकता का प्रतीक है, या पहले कह ले कृष्ण वस्त्र भी, काले कपड़े का भी थोड़ा विधान रहा कवि प्राचीन काल। अच्छा, नहीं तो ब्रह्मचारी के लिए सफेद वस्त्र, हाँ। सन्यासी के लिए कषाय वस्त्र मानिए भगवा वस्त्र, गेरुआ रंग जी। तो हम वो शास्त्र की पूर्ण मर्यादा के अनुसार ही अपने वस्त्रों को हम रखते हैं, इसीलिए मैं भगवा वस्त्र नहीं पहनता, क्योंकि मेरे पास अभी भी चोटी है। अच्छा। मेरे पास अभी भी मेरी शिखा है, जिस दिन मैं सन्यास ले लूंगा मेरी ये दोनों निकल जाएंगे, बाकी कोई फर्क नहीं, कपड़े भगवे हो जाए। तो बीच में बड़ा भी उम्र था, आप सन्यास ले रहे हो, अखाड़ा नहीं, नहीं कर रहे हो? अखाड़ों से आग्रह था, प्रेम था, और मेरा ये सौभाग्य है, हमारे अखाड़े के सभी पूज्य संतगण आकर के उनका निवेदन था कि एक बड़ी परंपरा को आप आगे ले जाने वाला कार्य करें। मैंने कहा मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे सामर्थ्य से बड़ा कार्य है। अभी भी कभी कभी उनका प्रेम भरा आग्रह रहता है, तो मुझे लगता है कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो कार्य भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लगे। तो वानप्रस्थ की क्या योजना है, फिर अब फिर गंगोत्री चले जाएंगे, क्या करेंगे वानप्रस्थ में 75 के बाद? नहीं, वानप्रस्थ तो गृहस्थों के लिए होता है, आपके लिए सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए वानप्रस्थ नहीं होता। अच्छा, वो तो तुम्हें दिलाऊंगा। तो अब मेरे छोटे छोटे दो तीन सवाल है मेरे, क्या है, सोशल मीडिया आइडिया वाले हैं, आपकी दिनचर्या क्या होती है? प्रायः मैं सुबह 4 बजे के आसपास उठ जाता हूँ जी। उठ करके अपना जैसे नित्य कर्म, तुरंत उठ करके जल पिया, शौच आदि से निवृत्त हो गए। अच्छा। होने के बाद कभी मन करता तो ध्यान करने बैठ जाते हैं, नहीं तो फिर थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, घुमा टहला। अच्छा। थोड़ा सा फिर योग अभ्यास प्राणायाम करी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेरे को दंड बैठक वगैरह का मन करता है तो कर लिया। अच्छा। तो सुबह सब करते कराते हमारे को 7:30 बज जाते हैं जी। तो उसके बाद फिर स्नान वगैरह कर करके फिर थोड़ा जप वगैरह का मन करता है तो कर लेते हैं। 8:15 बजे लगभग हम अपना नहा धो करके तैयार होकर के नाश्ता वगैरह करके 8:30-9 बजे तक हम निकल जाते हैं। अच्छा। निकल करके फिर ज्यादातर ऑफिस में जितने भी अपने कार्य हैं, जो योजनाएं हों, चाहे दैनिक रूटीन के काम है, तो दोपहर को लगभग 1:30 बजे हम थोड़ा सा लंच ले लेते हैं। रात को 7:30-8 तक ऑफिस में ही रह करके 8 बजे पहुंच करके रात को फल भी नहीं खाता, प्राय सब्जी वगैरह ले लेता हूँ, तो कभी दूध पी लिया, नहीं तो नहीं पिया। फिर जो भी काम वगैरह रहता है उसको निपटा करके 10:30-11 बजे तक हम विश्राम करने चले जाते हैं। लगभग मोटे तौर पर यही रूटीन है। और भोजन में क्या लेते हैं आप? भोजन में बहुत साधारण सा ही लेते हैं हम सुबह नाश्ते में जैसे कभी थोड़ा बहुत फल खा लेते हैं, या कभी हल्का
पोहा है, दलिया है, ऐसा कुछ भी ले भी ले लेते हैं क्योंकि कई बार दिन भर लगना पड़ता है, और दोपहर को सब्जी रोटी दाल जो रहता है साधारण वो खाते हैं, रात को सब्जी, बीच में लगभग कुछ भी नहीं खाते, न चाय कॉफी कुछ नहीं, ना कोई आदत भी नहीं है, पानी पी लेते हैं दिन में कई बार, बस उतना ही है। आपके इष्ट कौन है? देखिए हम ऐसा देखें तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग जो निराकार परमात्मा है, अच्छा, हम लोग ईशावास्यम इदम सर्वम वेद परंपरा को मानने वाले हैं जी। हम दैनिक संध्या करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, हमारे सभी स्थानों में दैनिक यज्ञ होता है, जो पंच महायज्ञों का ऋषियों ने विधान किया था, उस तरह से हमारी परंपरा चलती है। व्यक्तिगत रूप से क्योंकि मुझे हनुमान जी बहुत प्रिय हैं, तो मेरे पास एक ऐसे हनुमान जी हैं कि मैं उनको अपने मित्रवत करके उनकी उपासना करता हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में तो ये जो पूरा देश है वो हमारा परिवार है, इसी भाव से हम करते हैं, परंतु मेरे जन्म देने वाले पूज्य माता पिता श्री दोनों ही हैं, अभी जीवित हैं, इस दिन दुनिया में हैं, भगवान करे मेरे पिताजी लगभग 90 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, वो शतायु हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। और बाकी भाई लोग हैं हमारे, उनसे मेरा कोई आते हैं राम राम श्याम श्याम होती है, पर परिवार से कोई किसी भी तरह का ऐसा कोई संबंध नहीं। तो पिता ने कभी कोई ऐसी बात कही हो जो आपके जीवन में, क्योंकि पिता का भी रोल होता नहीं, है? नहीं, बिल्कुल, पिताश्री मेरे बहुत सरल हैं, बहुत विनम्र हैं और बहुत ज्यादा सीधे हैं, और उन्होंने हमेशा मैं एक ही बात कहते हैं, वो सज्जनता, यदि मेरे अंदर कुछ भी सज्जनता है, सीधापन है जी, जी। तो मैं ये मानता हूँ वो मेरे पिताजी के कारण से है, और अत्यंत जो पुरुषार्थ करने की भावना मेरी माँ में ज्यादा था, तो यदि कहीं पर भी पुरुषार्थ का गुण है तो मेरी माँ का है। रामदेव जी से आपका क्या नाता है? जब हम मिले थे तभी मैं उनको भ्राता जी बोलता था, अच्छा, और आज भी वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई से बढ़ करके मैं कहूं तो मेरे अभिभावक भी हैं, और कहूं तो जिस तरह से वो अपने भूमिका को निभा रहे हैं मेरे गुरु भी हैं। अब क्या करना बचा है? जो शुरू किया है उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा, जब आप स्वयं बीमार या संक्रमित होते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर का तो एक व्यवहार है, तो क्या करते हैं, कैसे? देखिए, एक बार हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, फूड पॉइजनिंग हुई थी मुझे, उसको लेकर के लोगों ने तरह तरह की बातें करी, झुका गया, झुका दे दिया आपको, बड़ा बड़ा एक बहुत ड्रामा भी रचा गया, और अब भी लोग कहते हैं तुम बीमार होते हो तो अलग ही थे। अरे मैं कहता हूं ऐसे दुष्ट लोगों से कि भाई आज भी आप नीचे ओपीडी में जाओगे तो एलोपैथी के 50 डॉक्टर दवाई लेने के लिए मिलेंगे, तो किसी पैथी का कोई व्यक्ति होने से जी दूसरी पैथी में ना जा सके, ये 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 सीमाएं, ये परिधियां, परिवेश किसने निर्धारित किया है? हम स्वतंत्र है ना, बिल्कुल भाई, हर चीज की एक मर्यादा है, एक आवश्यकता है हमारे पास, हम प्रति वर्ष हजारों हजारों एलोपैथी के टॉप लेवल के डॉक्टर्स की भी चिकित्सा करते हैं, वो यहां सेवा के लिए आते हैं, चिकित्सा के लिए आते हैं, तो हम जाकर के उनको कहें कि तुम अपने पैथी में रहो, इधर क्यों आ रहे हो? ये मूर्खता है, ये एक तरह का दुराग्रह है, और इन दुराग्रहों से हमें दूर रहना चाहिए। और हमारी एक साथ हुई इमरजेंसी हुई, अभी तो हम यहां पर भी एलोपैथी शुरू करने वाले हैं, पतंजलि में हम शुरू करेंगे, हमने पूरी इमरजेंसी के लिए, पूरी रेडियोलॉजी के लिए, पूरी कार्डियोलॉजी का हम पूरा सेटअप बना रहे हैं, पैथोलॉजी लैब भी हमारा बहुत सारा है जी। कोई भी पैथी किसी की बपौती नहीं है, बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है लूटना बंद करो, पैथी के नाम पर जो लूट मचा रखा है उसको छोड़ो, रोगी ठीक जिससे होता हो, निरापद रूप से होता हो, चिकित्सा करने के लिए तो हम तो आग्रह करते हैं, और ऐसे चिकित्सक का हम धन्यवाद भी करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं। तो फूड पॉइजनिंग हो गई, अब फूड पॉइजनिंग कहते हैं, लोग कहेंगे क्या उल्टा सीधा खाते हैं? फूड पॉइजनिंग तो किसी भी पदार्थ से हो सकती है ना जी। अब एक और सवाल है जो बहुत आम जनमानस में, आयुर्वेद का इलाज इतना लंबा क्यों होता है और इतनी दवाइयां? कहां कौन से लंबा हुआ, कौन से लंबी चली, मेरे को बताओ तो सही। बहुत सारे लोग, ये प्रसेप्शन बनाया गया है, सुनो, ये प्रसेप्शन बनाया गया है आयुर्वेद लंबे समय तक चलता है, आयुर्वेद ये खाना पड़ता है। अरे भाई आकर के तो देखो, यहाँ हमारे यहाँ अभी भी कम से कम 3,000 लोगों की आईपीडी यहाँ पर है, अभी भी मिलेंगे आपको 2,500-3,000 लोग, पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पर, 70 से ज्यादा देशों के लोग आते हैं चिकित्सा के लिए, अब उनको देखो तो सही। दो सवाल और है, आपने हिमालय की चढ़ाई की और तीन शिखाओं के तीन वो जो उनके नाम रखे, शिखर नहीं भाई, 6 शिखरों का नाम गण करे दो बार, क्या था ये?
ऐसा है कि हमको लगा कि थोड़ा सा हिमालय की यात्रा एक हमारे रुचिकर यात्रा थी जी। तो जो जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्था जो NIM है नीम उत्तराकाशी में, उनके सहयोग से हमने दो बड़ी यात्राएं की इससे अच्छा। पिछले वर्ष और पिछले से पिछले वर्ष हम पहले तो रक्तवर्ण ग्लेशियर से ऊपर चले गए थे। हमने वहां पर राष्ट्र ऋषि और हमने योग ऋषि के नाम से जो पर्वत श्रृंखलाओं के नामकरण किया, और पिछले वर्ष जब हम गए थे तो हमने उसका नाम रखा कैलाश, ओम कैलाश पर्वत। अच्छा। ओम पर्वत जो था पहले तो ओम लुप्त हो गया, इस बात सोचना पड़ी थी, पर हमने एक नया ओम पूरी आकृति बनी हुई और कैलाश की पर्वत की आकृति के पर्वत नया जो कभी कोई गया नहीं था तो वो ढूंढा, उसका नामकरण रखा, और उसके बराबर में जो है बहुत बेहतरीन नंदी की आकृति का एक पर्वत था, उसका हमने नंदी पर्वत रखा। अरे वाह, तो मेरा आखिरी सवाल केवल आपसे होगा, हम आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको देखते हैं, आप 25 पदों पर हैं। अब आज के युवा दो चार चीजें निभाने में ही बड़ा परेशान होते हैं, इतने पदों पर रहकर आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं? मैनेजमेंट का कौन सा स्किल है जो आप देश के युवाओं और बिजनेसमैन को सिखा सकते हैं? कार्य को आप एक साथ कितने कार्य को कर सकते हैं इसको आप मैनेज करिए, और एक के बाद एक कितने कार्य को कर सकते हैं उसको भी प्लानिंग करिए। तो ये दोनों चीजों को करते हुए आप लगते हैं, फिर अपनी धीरे धीरे उस कार्यों के हिसाब से टीम बनाइए। अकेला कुछ होता नहीं, तो टीम के साथ धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई भाभी जी को मैं बहुत समय से जानता हूं, ये एक यशस्वी ऊर्जावान पत्रकार होते हुए भी इनकी रुचि धर्म अध्यात्म और आध्यात्मिक लोगों के प्रति बड़ी रही है, पर अभी भी ये लगे रहते हैं। कोई धार्मिक लोग इनको छोड़ दे पर ये धार्मिक को नहीं छोड़ते, क्योंकि इनकी एक रुचि है, इनका इनकी एक इच्छा है कि समाज की जागृति, धार्मिक क्षेत्र के अंदर जो बड़ा योगदान दे रहे हैं वो लोगों के जो जीवनी है, जानकारी है, उनके भाव हैं, उनके विचार हैं, लोगों तक पहुंचेंगे तो लाभ होगा। और इसी भाव से इन्होंने एक चैनल भी शुरू किया है, स्पिरिचुअल रिलीजन वर्ल्ड से भी ज्यादा मैं इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड मानूंगा, क्योंकि रिलीजन शब्द का आजकल लोगों ने बहुत छोटी सी परिभाषा की है, वो रिलीजन से बड़ा वाला रिलीजन है जो इन्होंने शुरू किया है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आचार्य जी।